अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, नवई काजियान, बहेड़ी, बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत होंगे। हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों, इस वक्त बहुत तेज़ी से महामारी जो है वो बढ़ती जा रही है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से बचें। लॉकडाउन का पालन करें, बहुत ध्यान रखें अपने आप का और अपने तमाम साथियों का, सभी का ध्यान रखें और घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें। एक शायर हैं जिन्होंने इस तरह की शायरी बहुत पहले की थी, जो आज बहुत पॉपुलर हो रही है। मैं भी उन चंद शेर को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, इस वजह से ताकि आप उसको सुने और हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, वो सुने और उसका पालन भी करें। कि बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। ये शायरी जब लिखी गई थी तो ये मेरे ख्याल से आज के ज़माने के हिसाब से ही लिखी गई थी। और अगला शेर यह है कि सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। दिल को बहलाने के लिए घर में ही वजह काफ़ी है, दिल को बहलाने के लिए घर में ही वजह काफ़ी हैं, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा बाहर ना निकलें, बिना ज़रूरत के बिल्कुल बाहर ना निकलें। सरकार के बताए हुए नियम ज़रूर फॉलो करें, गाइडलाइन फॉलो करें, बहुत ज़रूरी हो गया आजकल, बहुत हालात ख़राब हैं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।